हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे क्रिकेट्स में आपका। फ्रेंड्स, WBP अर्थात वेस्ट बंगाल पुलिस का मेन एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। आज एग्ज़ाम का डेट था जिसका मैं आंसर किया और क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो फटाफट आप अपना बताइएगा कि आपका कौन सा सेट रहा है और जो भी मैं सेट्स कराने वाला हूँ। देखिए, ये सेट ए है, तो ये बेसिकली एक जो सेट था उसके लिए है और वो क्वेश्चंस पूरे A to Z क्वेश्चंस को अपना मिलान करिएगा 1 से लेके 85 तक। तो टोटल अपना जज करिएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जातीय मानवाधिकार दिवस कौन दिन टी अर्थात किस दिन को जातीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स, 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाते हैं जातीय मानवाधिकार दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, प्रश्नबोधक स्थाने की बसबे मतलब इसका जो सेकेंड लास्ट में क्या एंड में बैठेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 65 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, कततम संविधान संशोधन द्वारा भोटाधिकार वयस 21 बसरे थे के 18 बसरे करा हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 का बी हो जाएगा 61 तम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए चौथा नंबर क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें भी आपका देखिए, ए है सी से सी एर बाबा, डी हॉल बी एर पुत्र और ई हॉल एर भाई। यदि सी डी एर बोन हो ताइले बी एर संगे ईर ईयर की संपर्क। तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स, सी बौदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ट। तो इसमें आपका करेक्टली स्पेल्ट कौन सा वर्ड हुआ है, तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका डी रेनोवेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम एरे परिमाण कत हो, तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स, सी 40% होता है। आपको याद रहना चाहिए 40% इसका मात्रा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट द वन ऑफ विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेंटेंस इन इंक्लूड इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स, 7 का हो जाएगा आपका बी। ही आस देखिए क्वेश्चन क्या है, ही आस मी व्हाट आर यू डूइंग, सो ही आस मी व्हाट आई वॉज डूइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड और प्रीपोजिशंस, सो राहुल इज एडिक्टेड डैश गैम्बलिंग। सो 8 का करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स, आपका बी ऑफ गैम्बलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड। तो आंसर इसका 9 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूँ, राइट का 9 का करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा फ्रेंड्स, क्यू। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, QUEUE, ये आपका आपके जो है ना करेक्टली स्पेल्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 का देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, विख्यात एथलीट स्वप्ना बर्मन पश्चिम बंगेर कौन जिलार बसिंदा। तो ये 10 का हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा फ्रेंड्स, कूच बिहार की ये बसिंदा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सम द्विबाहु ए त्रिभुजेर एक्टी समान कौन 30 डिग्री होले बृहतम कुंटी की। तो जो बृहतम जो बड़ा है कौन सा हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स 11 का सी 135 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 का हो गया फ्रेंड्स, 12 क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ प्रीपोजिशन, सो ऑस्ट्रिच प्रेफर्स रनिंग डैश फ्लाइंग। सो 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका डी हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी एन ठाकुर कार शब्द सदमनाम, तो इस ही शील, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, राज बिहारी व्यासु। 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, ए एवं बी एर वर्तमान बयसर समष्टि 55 बसर 10 बसर आगे तदर बयसर अनुपातशील 4:3 एर एवं बी एर वर्तमान बयस को। तो 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए हो जाएगा 25:30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट प्रोवर्ब। तो 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी एम्प्टी वेसल्स मेक नॉट मोस्ट नॉइज। ऑब्वियसली आपको मैं बता दूं, एम्प्टी वेसल्स साउंड मच, तो एम्प्टी वेसल्स क्या होता है कि मेक नॉइज मोस्ट नॉइज। ठीक है, 15 हो गया। 16 को देखते हैं फ्रेंड्स, श्रीनिवास रामानुजन सिलेन एक्जन विख्यात। 16 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, ए गणितविद। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 हो गया फ्रेंड्स, ए ओ बीर आई एस आई आर अनुपात 3:4 तादर खरसेर अनुपात 2:3 प्रत्येक 200 टका संचय कर ले एर बीर एर आय कत। तो 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी 600.10800। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड, ऑब्वियसली असासिनेशन। ठीक है, असासिनेशन, तो इसका 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको असासिनेशन होगा इसका करेक्ट आंसर, तो ये होगा आपका ए।
असासिनेशन का करेक्ट स्पेलिंग 18 हो गया फ्रेंड्स। 19 क्वेश्चन देखते हैं, 19 में क्या क्वेश्चन, कौन देशेर प्रधानमंत्री 2019 साल शांतिर जन नोबेल पुरस्कार पान, तो इथियोपिया ए करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। 20 का क्वेश्चन के पीछे, तो विच वर्ड इज ऑपोजिट ऑफ रॉग, सो रॉग का ऑपोजिट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 20 का, बी स्क्वायर प्लस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर ए प्लस को स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट, तो ए 1 हो जाएगा क्योंकि इसका फॉर्मूला है ऑब्वियसली बनता है। इसरो चेयरमैन चेयर पर्सन के हैं, तो ऑब्वियसली के सिवान सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट प्रोवर्ब्स, तो 23 का करेक्ट आंसर क्या है फ्रेंड्स, सी बार्किंग डॉग्स ऑलवेज बाइट, जो भौंकते हैं वो बहुत ज़्यादा काटते भी हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 क्वेश्चन नंबर क्या है, तो 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 25 जन लोग 4 दिन आए करे 810 टका, 12 जन लोग 15 दिन कत टका आय करबे, तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स 24 का सी 1458 टका। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड, ऑब्वियसली मैसेज इज करेक्टली स्पेल्ड, इज सी ऑप्शन इज करेक्टली स्पेल्ड। नेक्स्ट एक्टिव चिड़ियाखाना चिड़ियाखाना किशु संख्या सिंह एवं किशु संख्या टिया टिया पाखी आसे, तादेर माथार संख्या 100 एवं पायर संख्या 290, सेखाने कतगुली टिया पाही पाखी आसे, तो 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी 55। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27, नेक्स्ट चूज द करेक्ट प्रोवर्ब, तो 27 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स डी, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजू महेश दिनेश सबका एक जोड़ा है जिसमें आपको पूछा है बहुत से ऐसे बैठ के मतलब सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो कैसे किस प्रकार से बैठेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स गीता 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, गीता राजू महेश दिनेश सुरेश, इस प्रकार से आप बैठेंगे। 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मौसिन राम जायगाटी कौन राज्य अंतर्गत, तो मेघालय हो जाएगा आपका ए, वहाँ पे क्या होता है बारिश बहुत तीव्र वर्षा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट प्रोवर्ब, तो 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी बेटर लेट देन एवर, बेटर लेट देन एवर। 31 का क्या क्वेश्चन पूछा गया है, 31 का सेम क्वेश्चन बार बार करा चुका हूँ आपको और भी करा दूंगा। 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए 3 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। प्रथम कथा है पिंक बॉल के टेस्ट अनुष्ठित होइसिल, तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ईडन गार्डन नहीं होगा, पहले सबसे पहले सिडनी में हुआ था, उसके बाद जो देखिए अगर भारत का पूछा जाए तो ईडन गार्डन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 हो गया, 33 का क्वेश्चन क्या पूछा था, दुटी वृत्तेर व्याखार्धेर पार्थक्य 7 सेंटीमीटर एवं क्षेत्रफलेर पार्थक्य 1078 वर्ग सेंटीमीटर होले शॉर्ट वृत्तटीर व्यासार्ध कत, तो 33 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स सी 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 हो गया, मेगास्थनीज रसित इंडिका ग्रंथ थे के कौन बोसिंग बंगसेर इतिहास जाना हो जाए, तो 34 करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मौर्य बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इसका करेक्ट आंसर 35 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 35 करेक्ट आंसर फ्रेंड्स डी 44.5। नेक्स्ट क्वेश्चन एस आई पॉजिटिव तापमान की, तो आंसर हो जाए फ्रेंड्स 36 का आपका हो जाए फ्रेंड्स सी केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 का क्या पूछा गया है, किसमें ऑड नंबर निकालना है, तो अलास्का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिसेफ एर सदर दफ्तर कोथाए, तो न्यूयॉर्क याद रहना चाहिए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिल द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड और प्रपोजिशन, डेविड लिव्स जस्ट द बस स्टैंड, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 39 का सी अक्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 लीटर दूध जलेर मिश्रणे 10% जल आसे, ताहले एई मिश्रणे कत लिटार जल मेशाले जलेर शतांश हबे 25%, तो आंसर हो जाए फ्रेंड्स 40 का करेक्ट आंसर हो जाए डी 4 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है फ्रेंड्स देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बेमान्यान ओड संख्याटी चिन्हित करून, तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स डी 98। नेक्स्ट गूगल एर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नाम की, तो सुंदर पिचाई आपको बहुत दो बार क्वेश्चन पूछ दिया गया, इसको याद रखिए। फिल द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड और प्रीपोजिशन, वी शैल डिस्कस द मैटर डैश कप ऑफ टी, सो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 का, भारतीय वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के, तो बिपिन राउत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निशेर कौन सिक्योरिटी करेंसी रुपीज एवं डॉलर एर मध्य संपर्क स्थापन करें, तो आंसर फ्रेंड्स डी आपका, देखिए तीनों का तीनों पैसे ही हैं, आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स करेंसी रुपी और डॉलर, तो रुपी हो गया एक हो गया करेंसी डॉलर, ठीक है, दोनों सॉरी करेंसी है रुपी और डॉलर अलग अलग देशों की है, तो याद रखिएगा एक ही में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 के क्या पूछा गया है, दुटी संख्या में समष्टि 13 एवं वियोगफल 3 होले बृहत्तम संख्याटी कत, संख्याटी
कोतवा, तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका डी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 का। 47 क्या पूछेगा, यदि यदि प्लस माइनस एयर अर्थ माइनस माइनस एयर अर्थ गुण पूरण और भागटी एरर एयर अर्थ प्लस एवं गुणु गुणटा एयर अर्थ भाग है ताहले 10 × 5 / 3 - 2 + 3 = what। 47 करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स सी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन संख्या होते होते ताहार 40% वियोग करले करले वियोगफल 300 हो, तो 48 करेक्ट आंसर डी 500। नेक्स्ट, विच वर्ड मीन्स सेम एज सोफिस्टिकेटेड, सो ऑब्वियसली जेंटल हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मितिन मासिर श्रेष्ठ कौन लेखक, तो आंसर 50 का करेक्ट आंसर डी सुचित्रा भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स बी यूनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्पल एप्पल जो है आईफोन और अपो रेंटीर रेंटीर ऑपरेटिंग सिस्टम अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो आईओएस, तो 52 का करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन खाल प्रशांत और अटलांटिक महासागर संयुक्त करे छे, तो पनामा खाल। 53 करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, शून्यतम पूरण करुण, तो इसका 54 करेक्ट आंसर क्या डी 495। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति बुश फायर क्राइसिस कथाए घटे छे, तो 55 का करेक्ट आंसर ए ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक 12% सरल सुधेर साबे कत बसरे एक्टी निर्दिष्ट परिमाण अर्थ द्विगुण होबे, तो 56 का करेक्ट आंसर रेफरेंस ए चार महीने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट प्रोवर्ब, जो करेक्ट प्रोवर्ब को चुनना है तो फ्रेंड्स सी हो जाएगा। अब देखिए, ऑल्स वेल देन दैट एंड्स वेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 58 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 58 का करेक्ट आंसर रेफरेंस आपका ए 4। ठीक है, ए प्लस बी 5, तो ए माइनस बी 3 होता है, तब ताहले ए बी क्या वैल्यू क्या होगा, तो हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड और प्रीपोजिशंस, द मैन वाज अक्यूज्ड डैश थेफ्ट, सो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी का ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 हो गया, 60 का क्या होगा फ्रेंड्स आंसर, 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 2019 एयर शेष दिखे कौन साइक्लोन पश्चिम बंगे उपकूल आश्रय पड़े, तो आंसर फ्रेंड 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 60 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी बुलबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड, तो आंसर हो जाएगा 61 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स बी रॉबर्ट लुइस स्टेवनसन। 62 करेक्ट ए बी सी आई एफ जी ओ जे के, उसके बाद क्या आएगा, तो 62 करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी UMN। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल बंसल प्रतिष्ठुता के, तो 63 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स बी गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 का क्या पूछा गया है, 35 प्लस 48 40 को 23 प्लस 34 24 25 प्लस 24 इक्वल टू 26, तो 40 प्लस 21 कितना होगा, तो 64 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड 64 का होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर द अल्टरनेटिव सजेस्टेड, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, तो 65 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड सी, दैट गर्ल सेड दैट सी वाज वेरी बिजी देन जेलर मुख्यमंत्री राजस्व अदायकारी के, तो 66 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड 66 का हो जाएगा फ्रेंड डी जेला शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, घंटा देखिए घंटा है 54 किमी वेगे एक्टिव ट्रेन 270 मीटर लंबा सेतु अतिक्रम करे 30 सेकेंडे, ट्रेनटर दैर्घ्य कत, 67 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ए हो जाएगा 180 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 क्या हो जाएगा, वर्ड आउट ऑफ द अल्टरनेट सजेस्टेड सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेंटेंस इन इंटरेक्ट स्पीच, तो विराट सेड रवि अराइव्ड ऑन मंडे, तो 68 का करेक्ट आंसर रेफरेंस ए विराट सेड दैट रवि हैड अराइव्ड ऑन मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्ट निर्दिष्ट कोडे 256 एर अर्थ यू आर गुड, 637 एर अर्थ वी आर बैड एवं 358 एर अर्थ गुड एंड बैड, ताहले एंड एर कोड टू की होबे, तो 69 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड 69 का हो जाएगा फ्रेंड सी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जन व्यक्ति 400 टी कमला लेबू क्रय करे, समग्र क्रय मूल्य 320 टी कमला लेबू विक्रय करे करले करल, तो आबु खतर खत करा कत लाभ हब हले, तो 70 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ए 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 हो गया, 71 का क्या क्वेश्चन पूछा था, देखिए करेक्ट वन फॉर एन आफ्टरनून नैप तो ऑब्वियसली 71 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ए सिएस्टा। नेक्स्ट प्रश्न, बुधक स्थाने की बोझबे,
तो प्रश्न बोधक स्थान की बोझ है, तो इसका करेक्ट आंसर रेफरेंस 72 का, 72 का करेक्ट आंसर रेफरेंस सी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड मीन्स सेम एज रिफर्बिश, तो ऑब्वियसली रिवैम्प हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 का क्या क्वेश्चन पूछा गया है, दुटी संख्यार लखागु और गोखागु यथाक्रमे 36 एवं 6 एक्टी संख्यार 12 हल्ले अन्यटी कत, तो 74 का करेक्ट आंसर रेफरेंस डी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 हो गया, 75 का क्या पूछा गया, पी क्यू एर थेके बेटे किंतु आर एटे एर थेके लंबा, एस पी एर थेके बेटे किंतु आर आर एर थेके लंबा एवं यू यू क्यू एर थेके बेटे किंतु ए पी एर थेके लंबा के सब थेके बेटे, तो 75 का करेक्ट आंसर रेफरेंस ए आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन द फॉलोइंग वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड, ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस का करेक्टली स्पेलिंग ये हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 का क्या क्वेश्चन पूछा गया, सुरेशर वयस किरणेर द्विगुण, तो तादर वयसर समष्टि 24 वयस बसर सुरेशर वयस कत, तो 77 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 77 का हो जाएगा आपका डी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद जीरो जीरो आउरा आउ यार बोलते कौन समय बुझाए, तो 78 करेक्ट आंसर रेफरेंस ए 12 टू थेके एकटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 हो गया, 79 देखते हैं फ्रेंड्स, 79 में क्या पूछा गया, 16 छेलर गड़ा बयस 20 तादेर मध्य एकटी नतून मे आसे फले छबार छबार गड़ बयस दु बसर बेड़े जाए नतून मेयर बयस कत, तो 79 करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स आपका सी जो कि 54 बसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्मकालीन स्वस्थिति कबे है, तो 80 का करेक्ट आंसर रेफरेंस सी 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुजे त्रिभुजेर उच्चता रूट ओवर 6 हले त्रिभुजेर क्षेत्रफल कत, तो 81 का करेक्ट आंसर रेफरेंस डी 2 रूट ओवर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 82 का, बी जी ए एच डी उसके बाद क्या आएगा, तो 82 का करेक्ट आंसर रेफरेंस ए। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको करना क्या है, ए टू जेड लिख लेना है, ए टू जेड लिख लेना है, उसके बाद आपको मिलाकर चलना है बी के बाद जी कितने पोजिशन पर आता है, बी ए बी सी डी ई सी डी ई एफ, तो 4 के बाद 5 नंबर पे आया तो +5, इस प्रकार से आपको लिख के जाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 हो गया, 83 के विच वर्ड इज अपोजिट ऑफ प्लेंटी, तो प्लेंटी का अपोजिट क्या होगा फ्रेंड, तो 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इनसफिशियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेंटी का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे और उसका अर्थ होता है अपोजिट क्या, बहुत सारा मतलब प्लेंटी थोड़ा सा, उसका अपोजिट क्या होगा इनसफिशियंट बहुत ज़्यादा, प्लेंटी सॉरी यहाँ पर प्लेंटी का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा, इनसफिशियंट मतलब कम हो गया, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा इनसफिशियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि शस्य कौन समय रोपण करा है, तो आंसर हो जाएगा जो रवि जो खाद होते हैं रवि जो होते हैं ना उसमें मतलब कौन से समय में उसको रोपा जाता है, रवि जो फसल लगाते हैं उसको किस वर्ष में किस महीने में लगाते हैं, तो ये देखिए अक्टूबर नवंबर के महीने में लगाते हैं। देखिए फ्रेंड लास्ट क्वेश्चन है, द रोट द हाउंड ऑफ द बास्के बास्कर विले, तो आंसर है फ्रेंड आर्थर कोनन डॉयल, ठीक है आर्थर कोनन डॉयल। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो हमें जरूर कमेंट करके बताइए, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। और फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल के ओर से सभी बच्चों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और सभी को बोलना चाहूँगा कि आपने अच्छा एग्जाम दिया होगा, इसका कट ऑफ मैं जल्दी डिस्कस करूँगा आपसे और बताऊँगा कि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।